हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी कैन फ्रेंड्स। फंडामेंटल राइट की सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं राइट टू फ्रीडम के बारे में, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने राइट टू इक्वालिटी एक एक आर्टिकल करके हमने पढ़ा था, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ये पार्ट वन है राइट टू फंडामेंटल राइट का। ओके तो आज पढ़ेंगे हम आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर एक साथ कर देंगे तो ये काफ़ी लेंथी होगा और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें। ओके सो हम इसे दो पार्ट में पढ़ेंगे। सो हमारे कुछ कोर्सेस जो हमारे चैनल पे चलाए जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी बेसिक्स, इंडियन पॉलिटी बेसिक्स, हिस्ट्री ऑप्शनल, करंट अफेयर्स रिवीजन एंड करंट अफेयर्स रिवीजन थ्रू एमसीक्यू के जरिए भी कराया जा रहा है, और हिस्ट्री का भी रिवीजन प्रोग्राम चल रहा है। तो आप इसे हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, जस्ट प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके और आपको वीडियो कैसा लगा तो आप हमें प्लीज़ 5 सेकेंड में कमेंट करके बता सकते हैं। कोई सजेशन है तो वो भी दे सकते हैं, कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि जिसमें मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी कर सकते हैं। ओके तो विदाउट डिलेइंग स्टार्ट करते हैं आज फंडामेंटल राइट। आपको पता है फंडामेंटल राइट में राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 तक में ये मेंशन किया गया है, और आर्टिकल जो 19 है वो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, यानी कि इसमें 6 अधिकार हैं आर्टिकल 19 के तहत। कितने अधिकार हैं? 6 अधिकार हैं, आपको याद रखना है 6 राइट्स। लेकिन स्टार्टिंग में इसमें 7 राइट थे, जिसमें कि एक राइट को बाद में हटा दिया गया। तो पहले एक एक करके देखते हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार जो है, स्वतंत्रता है लोगों के पास, तो ये अधिकार देता है आर्टिकल 1। लेकिन इसमें कुछ सर्टेन, मैंने पहले बताया था कि फंडामेंटल राइट जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है। ओके और ना ही ये असीमित है, तो इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। आप ऐसे कोई बात नहीं बोल सकते जिससे कि किसी कम्युनिटी को इससे ठेस पहुंचे। ओके या फिर किसी को कुछ भी बोल देना, गाली दे देना, तो अधिकार आपके पास बोलने का, इसका मतलब ये नहीं कि सबको गाली देते फिर वो हर्ट करने वाली बहुत बातें करें, वैसा नहीं करना है। ओके तो इसमें इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति जो भी हैं उनको अपना मत रखने का अधिकार दिया गया है। ओके विश्वास एवं अभियोग लगा सकते हैं किसी के ऊपर, या फिर इस तरह की चीज़ें हैं। और इसमें जैसे क्या क्या अधिकार हैं, अपने विचार को प्रसारित करने का अधिकार है। आप जैसे आप सोशल मीडिया पर जाके लिखते हैं तो ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हुआ ना, एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस ये भी हुआ, एंड राइट टू पीस, फ्रीडम ऑफ पीस है ना, शांति का अधिकार, सोने का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी जो पुट्टा स्वामी केस के केस में था और जिसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया। लेकिन याद ये रखें कि हड़ताल करना ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ओके नेक्स्ट वी हैव राइट टू असेंबली। असेंबली का मतलब ये होता है कि समागम, मतलब एक तरह से रैली जिस तरह करते हैं, सम्मेलन करते हैं, तो वो करने का अधिकार है, तो बिल्कुल ऐसे याद रखें। और इसमें भी है कि आप बिना किसी हथियार के जाएं, शांतिपूर्वक पीसफुली करेंगे। एंड राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यानी कि संघ बनाने का अधिकार है आपके पास, तो आप संघ बना सकते हैं जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह होते हैं, ये सब करने का अधिकार है। पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, पार्टनरशिप के साथ आप बिजनेस करते हैं तो उसके तरफ फॉर्म, कमिटीज, क्लब, ओके ये सब सारी चीज़ें बना सकते हैं। और उनको न केवल सिर्फ फॉर्मेशन के लिए अधिकार देता है बल्कि उसे नियमित रूप से आप संचालित भी करते हैं, वो भी अधिकार हैं। राइट टू मूव, राइट टू मूव में क्या है कि आप कहीं भी जा सकते हैं पूरे भारत के, अगर ये पूरा भारत तो आप कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट में वहाँ पे कुछ सर्टेन कंडीशन है, कुछ जो ऐसे एरिया हैं जहाँ पे इंस्टेबिलिटी ज़्यादा है और एथनिक कम्युनिटी रहते हैं, तो वहाँ पे तो जैसे आप कोई इंसान बिहार से यूपी या फिर यूपी से दिल्ली आया तो वो राइट टू मूव के तहत वो एक जगह से दूसरी जगह करता है, तो ये याद रखें। इस तरह के सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कोई व्यक्ति बिहार से या फिर यूपी से दिल्ली चला आया तो कौन सा अधिकार का इस्तेमाल किया, तो राइट टू मूव। ओके
तो इसमें है कि स्वतंत्रता पूर्वक वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं, और ये जो अधिकार है वो इस बात पर ज़्यादा बल देता है कि भारत सभी नागरिकों के लिए है, ये नहीं कि एक स्टेट में दूसरे जगह नहीं जा सकते हैं। भारत क्या है? सभी नागरिकों के लिए है, और इसका उद्देश्य क्या है कि जो नेशनल थॉट होते हैं, राष्ट्रीय सोच होते हैं, उसको प्रमोट करना, ना कि उसको नैरो बनाना। जैसे बोलते हैं, कई बार आपने देखा होगा दिल्ली मुंबई यहाँ पे लोग अदर स्टेट वाले को भगाने का प्रयास करते हैं, हालांकि जो कि गलत है। इस आर्टिकल 19 के तहत जो राइट टू मूव है, इसके अगेंस्ट वो चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन कुछ लेकिन इस पर है कि कुछ सर्टेन कंडीशन में आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। उसमें दो कारण है। पहला कारण ये है कि जिससे किसी जैसे आम लोग का हित और किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा का हित पे अगर आप खतरा बन रहे हैं तो आपको ये अधिकार नहीं मिलेगा, ठीक है। ट्राइबल एरिया में जो के क्षेत्र में बाहर के लोगों को प्रवेश करना, तो मैंने बताया अभी, जैसे आपने सुना होगा लास्ट टाइम सेंट्रलीज जो होते हैं अंडमान निकोबार में एक विदेशी टूरिस्ट को मार दिया था, जो वहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि उसके उससे संस्कृति को खतरा है, उसकी भाषा, उसकी जो कस्टम्स होते हैं, उनके प्रोविजन, तो वहाँ पे आपको सर्टेन कंडीशन के साथ बैन किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आप रेड लाइट एरिया जो होते हैं, ब्रोथल्स वैश्यावृत्ति जहाँ पे होता है, आप उधर नहीं जा सकते। वहाँ पे जो इथिकल नहीं होता या फिर पब्लिक पब्लिक हेल्थ इस तरह से प्रिकॉशन के लिए वहाँ पे उसको रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, ओके। तो ये चीज़ें हैं। और स्वतंत्रता जो होती है, ये दो तरह के हैं, कि इंटरनल होता है और एक्सटर्नल। इंटरनल है कि आप देश में कहीं भी घूम सकते हैं, और एक्सटर्नल है कि आप देश के बाहर भी घूमने जा सकते हैं और देश में वापस आ भी सकते हैं। अगर यहाँ से कोई अमेरिका चला गया तो वापस आप आ भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ चले गए तो हाँ, अगर आपने सिटीजनशिप छोड़ दी है तो ये सब अलग है किससे हैं। नेक्स्ट, राइट टू रिसाइड एंड सेटल, मतलब कहीं भी जाके आप निवास करिए, रहिए। बंगाल के लोग दिल्ली में आके रह सकते हैं, दिल्ली के लोग बंगाल में रह सकते हैं, बिहार के लोग दिल्ली में आके रह सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। वहाँ कहीं भी रहने का अधिकार है, कहीं भी वो अस्थाई रूप से रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, अस्थाई रूप से रहना चाहते हैं वो भी रह सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब ये है कि ये जो अधिकार है, तो देश के अंदर कहीं भी जाने के जो इंटरनल हर्डल्स होते हैं उसको ख़त्म करता है, आप रहिए, ओके। इस तरह की चीज़ें हैं, और ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहिए। एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, यानी किसी भी तरह का आप व्यापार करने का आपके पास स्वतंत्रता है, आप कोई भी पैसा चलाते हैं तो आप कर सकते हैं। ये अधिकार, ये जो अधिकार है, ये काफ़ी विस्तृत है, कॉम्प्रिहेंसिव है, क्योंकि ये तो लाइवलीहुड से संबंधित है, तो सोच सकते हैं कि इसका डायमेंशन काफ़ी बड़ा होगा। तो इसके कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होंगे, कुछ इथिकल नॉर्म्स होंगे, तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप कोई ऐसा बिजनेस ना करें जिससे महिलाएं, बच्चे, इन्वायरमेंट, इन सब चीज़ों को खतरा हो। अगर इस तरह का होगा तो स्टेट जो है इस पर कम्प्लीट रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, आपके जो लाइसेंस होंगे उसको रद्द कर सकता है, ओके। तो ये सारी चीज़ें थी आर्टिकल 19। एंड यहाँ पे एक नोट है कि इक्वालिटी एंड फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता और समानता जो होते हैं, वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये जो दो अधिकार है ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए इसको इंश्योर करना ज़रूरी होता है। अब चलते हैं आर्टिकल 20 में। ऐसे आर्टिकल 19 में कुछ चीज़ें हमारे कि मैंने बताया था कि पहले स्टार्टिंग में 7 राइट थे, जो 7वां राइट था वो संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के अधिनियम जो 1978 में आया था उसके तहत से हटा दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था, वो डिलीटेड बाय द 44th अमेंडमेंट, ओके। तो ये था। अब 6 राइट हैं, ठीक है। तो जो 6 राइट हैं, तो इसमें जो स्टेट है इसमें क्या करेगा कि इसकी रक्षा करेगा, ठीक है, इन 6 अधिकारों की रक्षा केवल और केवल राज्य के खिलाफ जो मामले होंगे उसके किया जाएगा, इंडिविजुअल में नहीं। आप इंडिविजुअली किसी के साथ करते तो वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगेंस्ट अ स्टेट, ओके, एक्शन नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल्स, यानी प्राइवेट नहीं। और ये राइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन के लिए, विदेशियों के लिए अधिकार नहीं है, तो ये भी याद रखें। ये जो आर्टिकल 19 है सिर्फ इंडियन के लिए, इंडियन कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए,
अब शेयर होल्डर में अगर कोई विदेशी है तो वो उसके लिए भी हो जाएगा ये, क्योंकि वो शेयर होल्डर विदेशी के लिए नहीं, कोई भी विदेशी कंपनी काउंसिल हो वो सब नहीं होंगे, विदेशी कानूनी लीगल वो सब कुछ नहीं। ओके कानूनी लोग मेरे कहने का मतलब है। ओके मैंने बता दिया कि स्टेट जो है इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, जो भी आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो भी उसके आधार होंगे उसके आधार पर लगा सकते हैं, उसके अलावा नहीं लगा सकता। एंड नाउ वी हैव आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 कहता क्या है? आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, यानी कि आप कोई अपराध करते हैं तो उसके उसके प्रोटेक्शन के लिए आपके पास ये अधिकार देता है आर्टिकल 20। तो बाकी अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, दोष सिद्ध कैसे आप अपना दोष सिद्ध करेंगे, तो ये जो है किसी भी अभियुक्त या दोषी को ठीक है आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट से रोकता है। आर्बिट्रेरी मतलब आर्बिट्रेरी का मतलब ये होता है कि थोड़ा विरोधाभास हो, या फिर एक्सेसिव मतलब ज़्यादा पनिशमेंट, जितना उसने अपराध किया है उसे उतना ही सजा दी जाएगी, वेदर सिटीजन और फॉरनर और लीगल पर्सन लाइक अ कंपनी फॉर अ कॉरपोरेशन, चाहे वो इंडियन नेशनल हो सॉरी इंडियन सिटीजन हो या फिर विदेशी हो, चाहे कोई लीगल पर्सन हो चाहे कंपनी हो, वो सबके सबके लिए है ये। इसके अंदर तीन प्रोविजन तीन क्लॉज हैं, क्लॉज वन क्लॉज टू क्लॉज थ्री क्लॉज वन में है नो पोस्ट फैक्टो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, एंड सेकंड में नो डबल जियोपार्डी, एंड थर्ड में है नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। तो आर्टिकल 20 आप समझ गए कि किसी भी तरीके से उसके किसी भी आदमी को अभियुक्त को दोषी को उसके अपराध के लिए उसको मनमाने तौर पे आप उसको सजा नहीं दे सकते। तो पहला समझते हैं आर्टिकल 20 इसका क्लॉज फर्स्ट जो कहता है। देखिए अब ये किस किस कॉन्स्टिट्यूशन से इन चीज़ों को प्रभावित करके कहाँ से प्रभावित हुए हैं, आयरिश डेमोक्रेसी या फिर अमेरिकन डेमोक्रेसी में क्या क्या, तो उनकी डेमोक्रेसी सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन को उतना जानना जरूरी नहीं है, उतना डिटेल में कोई सवाल आएगा नहीं। तो सबसे पहला क्लॉज जानते हैं कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ लागू पहले होता था लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया था, पहले होता था लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ केसेस ऐसे आए जहाँ पे इसको खत्म कर दिया। जैसे एक केस था कि मान लीजिए इसको समझते हैं पहले एग्जांपल से कि कोई रूल अगर मान लीजिए 1947 में बना ठीक है कि चोरी करने पर मान लीजिए गहना चोरी करने पर 7 साल की सजा, फिर नहीं यहाँ पे चोरी करने का कोई सजा नहीं था ठीक है, लेकिन 1949 में सिंपली अगर ये 49 मान लेते 2010 में अगर चोरी करने पर कोई उस पर जुर्माना या सजा नहीं था ठीक है, मान लीजिए फिर 2015 में सरकार एक मान लीजिए 5 साल के बाद एक सरकार एक कानून लेके आती है कि जो अब चोरी करेगा उसको 5 साल का सजा मिलेगा या फिर 5,000 का 50,000 का जुर्माना। तो इसमें ये अब क्या होगा कि अभी यानी कि 2010 में जो चोरी कर रहा है ये सजा उसको होनी चाहिए, 2010 के पहले जितने चोर हैं चोरी किए हैं उनको सजा नहीं होगी। पहले ऐसा होता था कि अब कानून बन गया तो पहले जितना चोरी किया था सारे चोर को पकड़ के अंदर कर दो, तो ये तो खैर गलत है क्योंकि उस समय जब वो चोरी कर रहा था जिसने अपराध किया उस समय तो कोई लॉ था नहीं, ये तो खैर राइट जो था स्वतंत्रता का अधिकार उसके अगेंस्ट हो जा रहा था। तो ये चीज़ कहता है आर्टिकल 9 पोस्ट फैक्टो, मतलब पहले अगर 47 में कोई लॉ नहीं था 49 में कोई लॉ आ गया तो और 47 में कोई अपराध किया गया है तो उनको 49 में उनको सजा नहीं होगी, जो 1949 में 49 के बाद करेंगे उनके ऊपर वो कानून लागू होगा। आई होप आपको मैं बिल्कुल अच्छे से समझा पाया हूँ। दूसरी बात इसमें ये आती है कि कोई व्यक्ति जितना सजा अगर एक बार उसने जितना उसने अपराध किया उसे उतना ही सजा मिलेगा, उस अपराध के लिए उतना ही दंड का भागी होगा, उससे ज़्यादा का भागी नहीं होगा, अगर उसने 2 बार कर दिया है फिर भी उसको उतना ही सजा मिलेगी। तो क्लॉज 2 कहता है डबल जियोपार्डी, मतलब दोहरी क्षति, दोहरा क्षति नहीं होना चाहिए, डबल जियोपार्डी नहीं होगा, मतलब एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं कर सकते। मान लीजिए कि कोई चोर है
उसमें ट्रायल पे ट्रायल चल रहा है, तो वो थोड़े दिन के लिए बाहर निकला, ट्रायल पे है, और उसने फिर चोरी कर लिया, तो उसको सजा उस एक बार का जो ट्रायल चल रहा है उतना ही मिलेगा, उससे दो बार या फिर सीधा सिंपली कहें कि अगर उसने उसके ऊपर उसके जो प्रोसीजर होते हैं सजा के वो पूरा हो गया, अगर फिर बीच में कोई नया चीज़ आती है तो फिर वापस करके उसको वापस से डबल नहीं कर देंगे कि 5 साल की सजा है तो फिर दोबारा केस चालू मतलब दोबारा उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके उसे 10 साल नहीं कर देंगे। ओके, तो मतलब सिंपली इतना है कि आप जितना कमाओगे उतना खाओगे, सिंपल समझो। ओके, जितना अपराध किया है उतनी सजा मिलनी चाहिए। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब स्वयं खुद के खिलाफ कोई गवाही नहीं दिलवाएगा कोई भी अभियुक्त है, ठीक है, कोई भी अगर वो अभियुक्त है तो उसको खुद के खिलाफ गवाह देने के लिए मतलब उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते, ठीक है, खुद के खिलाफ कोई गवाह कैसे दे सकता है, तो ये गलत है। हालांकि इसमें कुछ चीज़ें जो होते हैं वो अलग हैं, एक्सेप्शन हैं, लेकिन ये चीज़ें जैसे कि इसमें ओरल और इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें फिजिकल सब्सटेंसेस के जो इसेंशियल प्रोडक्शन होते हैं या फिर ये कहते हैं कि भौतिक विषय के आवश्यक उत्पाद पर अंगूठा का निशान, हस्ताक्षर, ब्लड सैंपल, इस तरह की चीज़ें अनिवार्य हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा इसका जो विस्तार होगा वो केवल केवल आपराधिक सुनवाई पर हो सकता है, ठीक है, जो आपराधिक प्रवृत्ति जो ठीक है तो उसका सिर्फ और सिर्फ आपराधिक सुनवाई पर हो सकता है जो आपराधिक प्रवृत्ति की ना हो, मतलब ये सिविल केसेस में नहीं होंगे, ठीक है, ये क्रिमिनल केसेस पे होंगे, सिंपल आप इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हैं आर्टिकल 20 में ये सारी बातें थी, तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ सब कुछ। एंड फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो जस्ट अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक या डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ओके, एंड इस तरह के वीडियो आपको और चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्री के कोर्सेज यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके अवेल कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, हैव एन अवसम डे।